ग्राम बटियागढ़ में रहने वाले करम कार्ड धारी जो कि कुम्हार भी हैं, आहिरवार भी हैं, प्रसूति राशि तो इन्हें 1400 रुपए मिली है। प्रसूति राशि मिलने के बाद करीब 3 महीने का इसमें समय दिया जाता है। जो जॉब कार्डधारी और कर्म कार्डधारी दोनों को ही यह राशि प्राप्त होती है और यह राशि 6000 से लेकर 8000 के बीच रहती है। आपका बच्चा कितने साल का हो गया? 3 साल का होगा, ये कई बच्चा है। तो इसकी डिलीवरी कहाँ हुई थी? दमोह में खैराती अस्पताल में, बड़े ऑपरेशन से। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। बड़ा कौन से अस्पताल में हुआ था? दमोह में हुआ था। तो इसके लिए जो पैसे मिलते हैं मजदूरी के, प्रसूति के बाद, इसके लिए मिले थे? इसके लिए मिले थे। और आपका फिर छोटा बेटा कब हुआ था, कितने साल का हो गया? वो अभी 2 साल का। तो ये कहाँ हुआ था? यही बटियागढ़ में। तो आपको ये प्रसूति राशि जो मिलती है वो मिली? 1400 मिलते हैं, बे भर मिले थे, और जो 4-5 हजार मिलते हैं भी नहीं मिले। तो ये राशि उन महिलाओं को दी जाती है जिन्होंने प्रसूति कराई और उसके बाद सारे कागज जो उनके कर्म कार्ड और आधार कार्ड और उनके खाता नंबर इनसे जुड़े होते हैं, इन महिलाओं ने समय पे ये सारी कागजी कार्रवाई भी की। आपके जो प्रसूति के बाद जो मजदूरी की राशि मिलती है आपके परिवार के पालन पोषण के लिए, वो मिला आपको? कहाँ मिला, हम सबरे में ग्राम पंचायत कहूँ जा रहे। 4-5 जहाँ फिरे थे यहीं सुखा के पंचायत गए थे, होते के दाई के नाम नहीं है लिस्ट में। आपके यहाँ जो छुट्टी का कागज मिलता है अस्पताल से, वो है आपके पास? हाँ वो है हमारे पास। और बाकी के जो कागज आपके लगते हैं वो राशि के लिए, वो जमा करे थे आपने? सब किए थे। समस्या से जूझते जूझते आज 1.5 साल के बाद इन्होंने सीएम हेल्पलाइन 181 है उस पे भी शिकायत की, पर उस समय ये बताया गया कि बजट नहीं है, इसके कारण इन्हें ये राहत राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। इन व्यक्तियों को इनका अधिकार मिले और जो बदलाव के लिए अधिकारी हैं वो हैं जनपद पंचायत वटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश की कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रानू जैन जी, जिनका फोन नंबर है 9826-27-92-05। आप सभी देखने वाले श्रोताओं से मेरी अपील है कि फोन कर बदलाव की कोशिश करें। मैं आरती वाल्मीकि वटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।